जब तुमने मुझे और मलिष्का को एक साथ डांस करते हुए देखा तो क्या तुम जेलस फील कर रही थी? बहुत बुरा डांस करते हो तुम। मतलब तुम जेलस फील कर रही थी? मैंने बोला ऐसा? हाँ, मैंने बोला कि मैं जेलस फील कर रही थी। कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब सब कुछ एकदम साफ है। क्रिस्टल क्लियर। डैड, माँ, देखा मैंने कहा था? आराम से, आराम। डैड यही है। मैंने उनको यहाँ आते हुए देखा था। क्या हुआ है तुम्हें? डैड जल्दी चलो, चाचू का डांस शुरू होने वाला है। हाँ, हम दोनों आप दोनों के लेने आए। चलो जल्दी। ओके। हाँ चलो डैड। रोहन, 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 लगी तो नहीं ना कहीं? हाँ? कुछ नहीं। रोहन ठीक है? ठीक है वो? हाँ टीचर, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ माँ? आप रोहन की चिंता मत करो, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और मैं हूँ ना, तो इसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो ठीक है सच में? हाँ, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, चलो डैड, चलो चलो डैड, चलो चलो ना, चलो 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 डैड, चलो डैड, जल्दी 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 डैड, चलो। मैं आती हूँ। क्या हुआ आंटी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? बेटा पता नहीं मैं कैसे बोलूं, तुम समझ भी पाओगी या नहीं? बताइए तो सही, बात क्या है आंटी? अनुष्का, मुझे लगता है ये पूरा परिवार एक तरफ और तुम और मलिष्का एक तरफ। मतलब आप कहना? मतलब तुम दोनों बाहर के घर से आई हो, पराई घर से आई हो, तुम दोनों की इस घर में शादी हुई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम और मलिष्का, तुम्हें एक होना चाहिए, तुम्हारी एक टीम होनी चाहिए? टीम? आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? कहा था ना कि तुम समझ नहीं पाओगे। अनुष्का मैं सीधे सीधे बताती हूँ, लक्ष्मी और शालू को देखा है, बहने हैं दोनों, उनका प्यार देखा है, एक दूसरे के लिए लड़ मरती हैं किसी से भी कभी भी। और तुम और मलिष्का, आई मीन तुम दोनों भी क्लोज हो, लेकिन वैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो उन दोनों बहनों का है, तुम दोनों का भी ऐसा होना चाहिए ताकि कोई तुम दोनों पर आंख ना उठा सके। समझ रही हो ना तुम? मैं समझ रही हूँ आंटी, लेकिन हमें लक्ष्मी और शालू से क्या लेना देना है? सीरियसली, इसी दुनिया में रहती हो ना तुम अनुष्का, शालू तुम्हारे घर में घूम रही है और तुम कह रही हो कि तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं समझ गई आंटी, मैं सब कुछ समझ गई कि आप क्या सोच रही हो और क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मेरे साथ सब ठीक है। वो शालू है, और अगर वो आयुष के लिए सही होती तो आज उसके साथ होती ना, शादी करके बैठी होती यहाँ पे, और मैं यहाँ आती ही नहीं, इसलिए मैं शालू से नहीं डरती। अनुष्का, डरती तो मलिष्का भी नहीं थी लक्ष्मी से, पर देखा ना क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी, उसे क्या क्या सहना पड़ा सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेटा मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बात जब दिल पे आती है ना तो चीज़ें बदलने में वक्त नहीं लगता, क्यों बदल जाती हैं। अनुष्का, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो ना, इसलिए तुम्हें सावधान कर रही हूँ। स्मार्ट बन जाओ, संभल के रहो, भोली वाली शक्लों से धोखा मत खा जाना, बाकी तुम समझदार हो।
दी तू अभी भी यहाँ थी? दी क्या हुआ? दी तू रो क्यों रही है? दी क्या हुआ? दी दी किसने कुछ बोला तुझे? अरे यार बस अब दीदी चले जाते यहाँ से, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी आके हमें कुछ भी बोल रहा है, जैसे हम तो मरे जा रहे थे ना यहाँ आने के लिए। नहीं, हम बस यहाँ पारो और रोहन की खुशी के लिए आए थे, पारो की खुशी के लिए आए थे, रोहन का बर्थडे मनाने आए थे। बस अब नहीं रहना यहाँ पे दी, बहुत लोग ना बहुत कुछ बोल रहे हैं। चल चल एक काम करते, जाते यहाँ से, निकल ही जाते। याद आ रही है उसकी, मेरा 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 मैं नहीं बचा पाई उसे। सही दी, मैं नहीं बचा पाई। मैं कैसी माँ हूँ? मैं बहुत बुरी माँ। नहीं दी, तू ये क्या बोल रही है? क्यों बोल रही है ऐसा? तूने किया जो कुछ भी तो कर पाई ना, तूने किया ना दी? नहीं दी, ऐसा मत बोल। कहाँ है वो? मेरा रोहन कहाँ है? तुझे पता है शानू, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो यही कहीं इसे देखती हूँ ना, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है मुझे उसकी। वो कितना छोटा चालू घर पास होता था तो वो बिल्कुल रोहन जैसा होता था, बिल्कुल ऐसा ही होता था वो, बिल्कुल ऐसा ही होता वो रोहन। बिल्कुल सही बोल रही है तू, आज हमारा रोहन होता तो ऐसा ही होता दी। पर रोहन जहाँ कहीं भी है ना बहुत खुश है दी, जिसके भी साथ है बहुत खुश है। वो तो ऐसे दुखी मत हो ना प्लीज, प्लीज रोमन प्लीज। वरना उसे कितना दुख पहुँचेगा ना तुझे इस हालत में देख के, है ना? वो दुखी होगा, वो रोएगा, तू चाहती है वो रो, नहीं ना? पता है मुझे, पता है वो जहाँ कहीं भी है ना वो मुझे देख रहा है, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे ऐसे देख। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है जानू, मैं कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे और एक बात मुकेश, वो जो पार्टी प्लानर्स है ना उन्हें रिमाइंड करा देना कि बच्चे रिटर्न गिफ्ट्स लिए बिना ना जाएं। और देखो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के सेपरेट रिटर्न गिफ्ट्स हैं, जाओ जाकर बता दो। चल चल